बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक दबंग जल्द ही अपने नए सीक्वल के साथ पर्दे पर दिखाई देगी। फिल्म एक बार फिर चुलबुल पांडे और रज्जू की कहानी में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा दिखाई देने वाले हैं। लेकिन बता दें कि हर बार एक्शन, ड्रामा और रोमांस को प्रदर्शन करने वाली इस फिल्म में इस बार की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित होगी। जी हाँ, वैसे भी अब बॉलीवुड में किसी एक घटना के ऊपर 2 घंटे की फिल्म बनाकर दर्शकों को उस घटना से अवगत कराया जाता है, उसी तरह से इस बार भी दबंग की सीरीज की कहानी एक सच्ची कहानी के ऊपर होगी। बता दें कि ये कहानी नोएडा के एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर है, जिन्होंने नोएडा जैसे शहर में किसी घटना को कैसे संभालते हैं और पूरे शहर को कैसे काबू किया जाता है बता रखा है। हालांकि अभी ये कहानी क्या है इसकी घोषणा नहीं की गई, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यह फिल्म की कहानी होने वाली है। इस फिल्म को इस बार अरबाज खान की जगह प्रभुदेवा डायरेक्ट करने वाले हैं और फिल्म वांटेड के बाद प्रभुदेवा के डायरेक्शन में बनने वाली ये उनकी दूसरी फिल्म होगी। हाल फिलहाल फिल्म की चर्चा जोरों पर चल रही है। बता दें कि इस समय सलमान खान अपने प्रोडक्शन में बनी रेस 3 के प्रमोशन में बिजी हैं। 15 जून को रिलीज होने के बाद ये मूवी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक होगी। इस फिल्म के बाद सलमान खान अपनी आगामी मूवी भारत में बिजी हो जाएंगी। वहीं सोनाक्षी सिन्हा फिल्म कलंक में बिजी चल रही हैं, तो देखना दिलचस्प रहने वाला है इस मूवी के अंदर इन दोनों की केमिस्ट्री वापस से कैसी लगती है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो और जुड़े रहे हमारे साथ, क्योंकि बॉलीवुड से जुड़ी हर खबर आपको यही मिलेगी सबसे पहले।